हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएसयू ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं भिवंडी में ही अभी इबाद भाई के साथ में। इबाद भाई का कुछ अपना पर्सनल शौक भी है, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा वो इन्होंने बकरी ईद का लॉट लाया था। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इनका पर्सनल लॉट है, जो इनके खुद के बकरे हैं। इसमें से कुछ एक बकरे पलाई पर भी है। ये बड़ी बात है कि इसमें बकरे पलाई पर भी है। इबाद भाई बकरे पलाई पर भी लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे पलाई वगैरह का क्या कॉन्सेप्ट है और इसमें कुछ बकरे इनको देने हैं तो उसके बारे में भी जानेंगे। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अंदर, क्योंकि अंधेरा होने पे, ठीक है, तो वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। तो इबाद भाई, पहले तो हम लोग ने आपका बकरी ईद का लॉट देखा, माशाल्लाह, मतलब हर तरफ से, मतलब ये कि कुछ छोड़ोगे नहीं सब चीज़ पे अपने को कब्जा करने का, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। पर्सनल पहले से ही शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हमेशा पहले से ही बकरे पाल रहे हैं। ओके, सही कर रहे हैं। वो तो बकरी का तो ऐसा था, तो हिसाब से वरना हमारा शौक था हमेशा से, पहले से ही था। घर पे अपने बकरे पहले से ही पाल रहे हैं, मतलब ये पुराना शौक है, वो नया शौक है, वो नया शौक। ओके ओके, तो ये वीडियो में हम लोग क्या दिखाने वाले हैं भाई? ये वीडियो में हम बताएंगे पतीरा है। पहले सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे पतीरा से। माशाल्लाह, ये दो दांत पे है, 55 साइड वेट है इसका, 55-60 किलो। हम लोग कैसा है अभी कांटे पे तो किए नहीं, माशाल्लाह ऐसे ही 19-20 तो रहे गए। ओके, दो दांत का बच्चा है, दो दांत पर है ये। हाँ, दो दांत का बच्चा है अभी, खाली बारिश की वजह से नहलाए नहीं है। देखिए आप, पतीरा है तो फिर नो डाउट यार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, काफी जगह भी है, अगले साल के लिए कोई रखे तो हाँ अच्छा भी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, मतलब अच्छा। अभी सिर्फ इसने दो दांत किए, अभी बहुत अच्छी है, मतलब और बढ़ेगी अभी, है ना, अभी और बढ़ेगी इसकी। अभी ये दो दांत पर है, 55-60 किलो अप्रोक्सीमेट हम लोग बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। और दूसरा बकरा हम लोग कौन सा देखने वाले हैं? दूसरा बकरा भाई है अजमेरी, अजमेरा में, हाँ अजमेरा में है, 75-80 किलो है, चार दांत पे, चार दांत पे है ये वाला बकरा। हाँ, बहुत अच्छा, ये अच्छा बहुत कसावा बकरा है, जो फिटिंग वाला बकरा है, फिटिंग में और बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और उसकी झालर, अरे बाप रे बाप, नॉन स्टॉप मुंडी हिला रहा है यार ये, वो भी गर्म हो रहा है, वो दोनों की जमती नहीं आपस में। अच्छा इसकी मतलब भाई बोलना पड़ेगा बकरे को, ये कल रॉड निकाल दिया, माशाल्लाह, देखो ना, रुक रहा ही नहीं है वो, बाप रे बाप, क्या शांति से बैठा था ये बकरा, और ऐसा उठा तो ऐसा हिल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो ये छह दांत पर है अभी, चार दांत पर है, और 75-80 केजी इसका वेट है, एक महीना पहले की ये थे, एक महीना पहले की है इसका वेट, बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो वो कितना जोर से चिल्लाने लगा। अच्छा, ये खड़ा हुआ करके वो उसके ऊपर भड़क रहे, ये लोग दोनों का आपस में चलता रहता है, लफड़ा चलता रहता है। अच्छा, दोनों को डबल रस्सी से बांधे हुए। अच्छा देखो, अब वो शांत हो गया, अभी तुम पास जाओगे तो ये वैसी वैसी हिलने लगेगा ना, एक बार वापस करके देखो लोगों को, जरा नॉन स्टॉप हिल रहा है यार वो, अभी रुका है थोड़ा, रुका रुका रुका, अरे क्या हिल रहा था यार, यहाँ वाह यहाँ वाह, माशाल्लाह, इसके अंदर ना झालर बहुत अच्छी है, और एकदम मतलब एकदम, अरे बड़े बड़े बकरों में नहीं रहता यार ये सीना तो यार, उसको उसके पास जाने का लड़ना, मतलब वो पहुंच रहा है, सोच रहा है कि वहाँ पहुंच जाऊँ मैं, बाप रे बाप, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। तो इन सब के बकरे का रेट अपन लास्ट में बताएंगे कि स्टार्टिंग में बताते चलेंगे? लास्ट में बताएंगे, चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये चार दांत पे, अच्छा बहुत ज्यादा गर्म है, ये भी बहुत गर्म है भाई, छोटा, हाँ छोटा, जलेबी सिंह में है, माशाल्लाह चार दांत पे है, माशाल्लाह 60 kg वेट, एक महीना पहले था, हाँ बहुत ज्यादा गर्म, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है,
इनको हैंडल कौन करता है? आप ही करते हो? मैं हूँ और मेरे एक वर्कर है, वो थोड़ा कर देते हैं साफ सफाई वगैरह का। ओके, अभी चार दांत पर है 66 kg। ओके, 60 kg बोलते हो? ओके, अंदाजन पकड़ते हैं, सही है। और ये मेंढा? ये मेंढा भाई 60 kg पे एक महीना पहले था। अच्छा, अभी माशाल्लाह और इसमें इम्प्रूवमेंट है। और ये अभी 2 महीना पहले 2 दांत हुआ इसका। अभी ये 2 दांत पर ही है? 2 ही दांत पर है भाई। क्या बात है, माशाल्लाह। 60 kg? 60 kg 1 महीना पहले वेट किए थे। ओके, माशाल्लाह। तो ये जो बकरे अपन अभी कवर कर रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं, ये सब देने हैं अपने को? ये देने हैं, हाँ। ये मेंढा भी, वो कोटा भी, पतीरा भी, हाँ। और वो ब्राउन वाला गुजरी भी, अजमेरा। ओके, और ये कोटा? ये कोटा, हाँ। माशाल्लाह, ये फ्रेम भी अच्छी है इसकी। ये भाई पलटी के लायक है, 4 दांत का बच्चा है ये। पलटी के लायक का बच्चा, हाँ, सही बोल रहा हूँ। 60 kg वेट है। और ये दूसरे कोटे जैसा नहीं है, ये शांत स्वभाव का है, मतलब मारना तोड़ना नहीं आता। तभी इसकी हालत दूसरों बकरों से भी थोड़ी अच्छी भी लग रही है। हाँ, मतलब बकरे क्या होते हैं ना, गर्म होते हैं ना तो खाना पीना छोड़ देते हैं। अच्छी बोले तो ये इसके मतलब बोलते हैं ना, गर्म बकरों की हालत थोड़ी डाउन हो जाती है। और ये जो बकरे हैं जो ज्यादा गर्म नहीं होते, उनकी हेल्थ अच्छी होती है। और ये बड़ी फ्रेम का बकरा है। ये भी कितने दांत पे? 4 दांत। 4 दांत पर है। इसका फेस देखिए कितना बड़ा है, माशाल्लाह। ये मतलब और बड़ा होगा अभी, 6 दांत 8 दांत के बाद तो और अच्छा रुबाब चढ़ेगा इसके ऊपर। तो और मतलब देखने वाली चीज तैयार होगी इंशाल्लाह। और इसके सिक्के वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, खूबसूरत है यार ये जानवर, माशाल्लाह। और इसके बाद अपन कौन सा देखने वाले हैं? अरे वाह, ये भी 4 दांत पे भाई। ये भी शांत है? ये भी 4 दांत पे, ये भी शांत स्वभाव का है। जो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं वो बकरे रहते हैं, हाँ। ज्यादा तैयार होते नहीं है, हाँ। ये भी माशाल्लाह अच्छा बकरा है, हाँ। 60 kg तक होगा ये? 60 kg तक हम लोग बोलते हैं, है ना। और 4 दांत पर पलटी के लायक की चीज है। 2022 के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई 2022 के लिए बकरे देख रहा हो तो ये बकरे रखने लायक है। एक ये वाला और एक ये वाला, मैं पर्सनली बोलूंगा ये दोनों बकरों की फ्रेम, इसमें तो सबसे बेटर फ्रेम इसकी है। बहुत अच्छी फ्रेम का बकरा है वो। और इसका रुबाब अच्छा है, इसका फेस पे जो है ना रुबाब अच्छा है, माशाल्लाह। और झालर वगैरह ये और खोलेगा, हाँ, तो और अच्छा दिखेगा ये। वो तो थोड़ा ये रस्सी बंधी हुई है ना, इसी वजह से। लेकिन इसका रुबाब अच्छा है, माशाल्लाह, बढ़िया बकरा है। तो इबाद भाई, ये सारी चीजों को आप और आपका जो साथ वाला बंदा है वही मेंटेन करता है? वही हम लोग ही मेंटेन करते हैं। तो ये अब यहाँ पे तो आपका लूम भी चलता है, लूम भी देखते हो, ये भी देखते हो? बस वही वजह से हैंडल हो जा रहा है। ओके ओके, ठीक है। ऑफिस जगह पे है, जगह पर, इस वजह से यहाँ पे आप ध्यान दे पाते हो। और इंशाल्लाह अगले साल तो है कि बकरे हम पलाई पे भी इंशाल्लाह, तो वो बकरे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फिर आगे देखेंगे कैसे क्या है। वो भी यही रखने वाले पलाई? यही रखेंगे। बहुत बढ़िया। ये कौन सा है? ये भाई इंदौरी में बोलते हैं। ओके, हाँ। बहुत बेहतरीन, हाँ। ये भी बहुत अच्छा, ये भी 4 दांत का है। अच्छा, हाँ। बढ़िया, माशाल्लाह। थोड़ा लो बजट में मतलब लगता है, तो है। कितने दांत? 4 दांत। 4 दांत। वेट क्या होगा इसका? वेट भाई इसका ना 40-45 बोलते हैं हम लोग इसको, माशाल्लाह, हाँ। बढ़िया। और इसमें ये वेंटम भी देना अपने को? ये कितने दांत पर है? ये भाई 4 दांत पर है। ये 4 दांत पर है, हाँ, एकदम सीधा। बहुत बढ़िया, व्हाइट कलर में है, मार्बल खूर है, हाँ। सिंग इसके मार्बल, अच्छा, हाँ। बकरे यहाँ अंदर होने की वजह से ज्यादा गंदे भी नहीं है, हाँ। तो बारिश में तो थोड़ा हम नहलाते कम है, नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन पे नहलाना पड़ता है। अच्छा, हम खुद नहला देते हैं, जरूरत नहीं रहती, लेकिन हाँ, हाँ। पानी मार देते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि जो उनके अंदर जो थोड़ी बहुत ऐसे गंदगी होती है। ओके, नहीं, साफ सफाई अच्छी है यहाँ पर, हम लोग आए देखा हम लोग ने, हाँ। तो साफ सफाई काफी अच्छी मेंटेन करी हुई है। पहले हम लोगों का विचार था बाहर वीडियो बनाने का, लेकिन क्लीनिनेस को देखते हुए हम लोग ने अंदर डिसाइड किया कि अंदर वीडियो बनाएंगे। इसमें अपने पास पलाई पे कुछ बकरे हैं क्या? हाँ। कौन से है पलाई पे भाई? वो मालवा है,
मालवा है इसका क्या अपने पास वो आया है, मतलब प्रोग्रेस क्या दिखाया इसने, इस बकरे ने इस बकरे ने हाँ भाई क्या प्रोग्रेस दिखाया अपने पास आने के बाद? भाई माशाल्लाह ये 28 किलो पे आया था और अभी ये 60-65 केजी वेट होगा इसका, क्योंकि वेट हुआ नहीं है तो अंदाजा ही बता रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि अच्छा पलाई का हम लोग चार्जेस क्या लेते हैं? पलाई का हम 2500 लेते हैं। 2500 और थोड़ा वेट अगर कम है तो उसका थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ओके हाँ। तो ये एक बकरा पलाई पर है, ये एक बकरा पलाई पर है क्या? पलाई पर है। बहुत बेहतरीन, बढ़िया। और ये वाला मालवा जो है हाँ। मालवा ये ना, वो भी कजूरी कान है। ओके ओके, बेहतरीन। तो ये आपका पूरा सेटअप है यहाँ पर, अपने सारे कब बकरे देखे देखे हाँ। अब हम लोग बकरों के रेट की बात करेंगे हाँ, ठीक है। तो रेट हम लोग क्या कोट कर रहे हैं भाई? रेट भाई जैसे इसका हम 32 मांग रहे हैं। 32,000 इस बकरे का? हाँ माशाल्लाह। ओके, आपके पास तीन कोटे हैं हाँ। तो तीनों कोटों का अगर कोई बोलता है मेरे को पट्टी के हिसाब से हाँ। चाहिए तो इंशाल्लाह कर देंगे हम उसमें। तो पट्टी का रेट क्या मांग रहे हो आप? पट्टी का रेट वो 30 के हिसाब से कर देंगे, 30,000 रुपए के हिसाब से हाँ। पट्टी पट्टी ओके। और अगर ऐसे देखा है तो ये 32,000 रुपए का है, तो वो वाला कितने का है जो आपने बताया? वो वाला हम इसका तो भाई कैसा है कि ये तो 34 बोल रहे थे हाँ, लेकिन अब पट्टी में लेंगे तो उसका अपन 30,000 में कर दे हाँ। ओके, और वो वाला पीछे जो है वाला कोटा इसका भी भाई 32 हाँ। बहुत अच्छे, लेकिन अगर मैं पट्टी में लेगा तो बेनिफिट अच्छा है, बेनिफिट अच्छा है। और लेकिन पट्टी में नेगोशिएशन नहीं है हाँ, नहीं। ओके, क्योंकि सब एकदम बॉर्डर पे है, बॉर्डर लाइन पे हाँ। ओके, और ये वाले अगर पतीरा की हम लोग बात करें, पतीरा और ये वाला जो है हाँ भाई अजमेरा, ये क्या रेट में है इसका? भाई हम 45 कोट करते हैं। 45,000। और इसका इसका भाई हम 35 हाँ। बहुत अच्छी चीज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो चालू हो गया हाँ। चालू हो गया तो खेल रहे भाई, बहुत अच्छी चीज है हाँ। और ये भी दे रहा है ना अपने को? नहीं ये नहीं, ये नहीं दे रहा है। मेंढा मेंढा भाई 25,000 दो दांत हाँ, वेट वेट क्या बताए इसका? 60-65 किलो है। 60-65 किलो ठीक है। और वो बेंटम और वो बाकी रह गया अभी है ना? बेंटम क्या रेट में देना है अपने को? बेंटम भाई 18,000 18,000 नेगोशिएबल है, सब सब रेट जो है नेगोशिएबल है हाँ, नेगोशिएबल। खाली पट्टी में नेगोशिएशन के चांसेस नहीं है, नहीं है हाँ। बट कैसा है भाव? ऑलरेडी हमने ज्यादा नहीं दिया है। हम भी वही सोचते कि कोई आदमी आए तो मतलब लेकर जाना चाहिए। और ये वाला पीछे जो है इसका भाई हम 20 बोलते हैं, 20,000 बेहतरीन। कितने दांत पर है ये बताया? चार दांत। और वेट कितना बताया आपने इसका भाई? 45 अप्रोक्सीमेट अपन पकड़ते हैं ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सारे बकरों का रेट बता दिया हाँ। पलाई का रेट बता दिया हाँ। पलाई का रिजल्ट भी बता दिया हाँ। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीडियो पे स्क्रीन पे नंबर आपका देना है कि अहमद भाई का? दोनों का देने का, मेरा ही दे दो, आपका देना ठीक है। तो इवाद भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा गाइस, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो इन बकरों में आप लोग डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ठीक है। और कहाँ पर है, कैसे कैसे आना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे बता दी जाएगी ठीक है। तो वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।